हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और हम आपको बताने वाले हैं कि ऑटोमेटिक शुगर फार्म कैसे बनाएं, शुगर फार्म कैसे बनाएं। और ये टोटली ऑटोमेटिक होने वाला है, आपको एक बार बनाने की जरूरत है और उसके बाद आप पे कभी भी शुगर केन की कमी नहीं पड़ने वाली, ये मेरी गारंटी है। और आप जब चाहे यहाँ से शुगर केन ले सकते हो। इसको बनाने के बाद बस जल्दी से हम आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको इस शुगर फार्म बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑब्जर्वर, रेडस्टोन, पिस्टन, कोई भी एक ब्लॉक, मैंने एक वाटेज ब्लॉक ले रखा है, आप कोई भी ले सकते हो। शुगर केन चाहिए और हॉपर चाहिए, वाटर बकेट और सैंड और देख लेनी है आपको बनाना है। और ये शुगर केन फार्म बहुत बड़ा जॉइंट आप नहीं कह सकते लॉन्ग, और आप कह सकते हैं मैं लंबा व ज़्यादा बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे एक एक ब्लॉक आपको तोड़ना है, और जितना चाहे जितना आप बनाना चाहते हो उतना लंबा आप तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से इतना सही रहेगा। और इसमें आपको लगा देनी है आप सैंड, आप डर्ट भी लगा सकते हो, पर जो है सैंड है ना उस पर शुगर केन जो जल्दी उग जाती है, इसलिए एडवांटेज हमें रहती है जल्दी उगने की, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सैंड यूज़ कीजिए। और उसके बाद आपको ब्लॉक लगा देना है इसके जस्ट पीछे, कोई भी ब्लॉक आप लगा सकते हो, कोबलस्टोन, डर्ट, कोई भी। और इसके बाद लगाने के बाद आपको सामने की तरफ ये पिस्टन लेना है, स्टिकी पिस्टन नहीं लेना, सिंपल पिस्टन। इसका तो फेस है जो सामने की तरफ होना चाहिए। और जल्दी से हम इसको अब लगाते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको जस्ट इसके ऊपर ही पिछली साइड आपको जाना है, और इसके सामने जो है उसका फेस जो है इसके सामने होना चाहिए। तो सारे पे हम इसको लगाने वाले हैं, और पीछे रेड डॉट इसका हो जाना चाहिए। और इसको बनाने के बाद आपको पीछे पिस्टन के पीछे आपको ये लगाना है कोई भी ब्लॉक। और इसको लगाने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, रेस्टोरेंट की क्रैकिंग कर देनी है। बस आपका, आप समझो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, दो ब्लॉक दो की हाइट आपको नीचे तोड़ देनी है। बस आपको इसको बात तोड़ने के बाद तो इसको जमीन जस्ट इसके नीचे रखना है, और आप सॉरी इसके लिए माफ़ी, तो इसको इससे नीचे सबसे नीचे कनेक्ट कर देना है। मैं ये इसलिए तोड़ रहा हूँ जिससे कि ये पुल मेरी पिस्टन के सीट में आ सके। तो इतना मेरा काम हो चुका है, और इसमें मैं ये लगा देता हूँ जो फालतू है, और इसके अंदर भी उसी प्रकार हमें ऊपर लगा देने हैं। और एक ब्लॉक पीछे से तोड़ दूं जिससे कि मैं इसका प्रॉपर यहाँ से लगा पाऊँ, और यहाँ भी मैं ये भर देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर भर देना है ब्लॉक में। और एक ब्लॉक में वाटर होना चाहिए, वरना वहाँ शुगर केन जो है नहीं लगेगी। और जस्ट फिर इसको करने के बाद आपको अपनी शुगर केन जो है सही कर देनी है। और जैसे ही आपकी शुगर केन जो है ग्रो होगी, और जैसे कि देख रहे हो आपके शुगर केन, वैसे ही इसको काट देगा, और काट के जो सीधा है आपकी चश्मे में वो चीज़ चल जाएगी। देखो आ गई, मैं एक बार आपको सभी को ट्राई करके दिखा देता हूँ, मैं एक बार लगा देता हूँ। और जैसे कि
देख रहे हो, अगर एक पे भी आएगी तो सारी कट जाएगी और ये सारी जो है आपकी चेस्ट में चली जाएगी। देख रहे हो, आपको थोड़ी ही टाइम में बहुत ज़्यादा ये मिल जाने वाली है। और आपको एक हल्का हल्का करना है ग्लास का, इसकी बाउंड्री बना देनी है कुछ इस प्रकार, जिससे कि जो शुगर केन है वो बाहर ना गिरे, सीधे आपके ऊपर में जाके वो ट्रांसफर हो जाए आपकी चेस्ट में। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा शुगर केन फार्म है जो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको इसको वर्क करके भी दिखा दिया ये कैसे वर्क करता है। और ये भाई साहब खतरनाक है, आप जितना चाहे लंबा इसको बना सकते हो, जितना लंबा बनाएंगे उसी में ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा जी, उतने ही आपको जो है वो शुगर केन मिल पाएंगे उतने ही ज़्यादा। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में जाकर बताना। और पिछली वीडियो में हमने जो है आपको बना सिखाया था कि भाई फुल पावर उसकी बीकन की कैसे बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।